तरह आपका नाम ये देखें, ये मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद अनीस, मतलब कि अगर आप फोटोग्राफर करना चाहते हैं, डिज़ाइनर, उसमें हर चीज़ में आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आ गया है गेट इन टच, फाइनल जो है आपका जो ये रह गया है, ये तो हमने फॉर्म जो है ये इसी तरह रहने देना है। लेकिन नीचे जो है ना, फील फ्री कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हमने अपना नाम लिखना है, अपना नंबर लिखना है, अपना जी मेल लिखना है, क्योंकि ये उन्होंने डाटा जो डाला है यहाँ पे, अगर ये जो हमने लिखा हुआ है ये हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर हमने ख़त्म करना तब भी हम इसमें ख़त्म कर सकते हैं। अब हमने क्या सर्च करना है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, कंट्रोल एफ करेंगे, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये देखें, उन्होंने ये दिया हुआ एड्रेस, यहाँ पे हम सिंपल इसको एड्रेस को चेंज करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे F7 मरकज इस्लामाबाद बाद, ये हो गया। अब हमने नंबर चेंज करना है, क्योंकि ये बैरूनी कंट्री का नंबर है, हम +92 हमारा कंट्री कोड है 0348, जो भी हमने नंबर अपना डालना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जीमेल अपनी डालनी है, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे abc@gmail.com, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे एड्रेस डालना है अपनी वेबसाइट का, तो हम लिख लेंगे मरकज, बेशक वहाँ से आप लिंक कॉपी करके भी यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं, मरकज शॉपिंग मरकज, ठीक है। तो ये हमने चेंज किया, यहाँ से सिंपल हम सेव करेंगे। सेव करने के फौरन बाद इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ये अभी थोड़ा सा टाइम लेता है मतलब अपडेट होने में, तो यहाँ पे हम सिंपल इसको रिफ्रेश करेंगे दोबारा। तो ये देखें, यहाँ पे F7 मरकज इस्लामाबाद, वो जो हमने नंबर डाला है, और abc@gmail.com, ये हो गया, ठीक हो गया। अब जो हमारी लास्ट चीज़ रह गई है वो है सेकंड लास्ट के, मतलब के हम जो है इसको जो इसका सोशल मीडिया आइकन्स हैं यहाँ पे फुटर पे, तो वो हम कैसे चेंज करेंगे। एडिट में जाएंगे तो सिंपल हमने यहाँ से इसी तरह मैं एक करके दिखा देता हूँ कैसे। यहाँ पे ये जो कि सारा है इसको बेशक डिलीट कर लें, यहाँ पे इसको रहने नहीं देना। तो यहाँ पे फेसबुक का मैंने ओपन किया हुआ, डबल क्लिक करें या ये बेशक ना कॉपी करें, जस्ट यहाँ तक जो है ना, जो आपका जो फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक है वो कॉपी कर लें। ये अगर कॉपी नहीं करेंगे भी तब भी कोई इशू नहीं है, अगर कोई इशू आता है तो वो क्लिक करके आप चेक कर लें। यहाँ पे कंट्रोल वी किया, इसको सेव करेंगे, ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है ना, ये हमारी वेबसाइट जो है, हम इसको फ्रेश कर लेंगे, ठीक है। फ्रेश करने के बाद जो है ना, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे, लिंक्स में देखेंगे कि हमारा लिंक अप्लाई हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम ये देखें, फेसबुक का लगाया था, तो हम सिंपल फेसबुक पे क्लिक करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे डायरेक्ट जो है ना, वहाँ पे आपको वो जो पेज है या जो भी है, मतलब कि वहाँ पे आपको ले जाएगा। तो इस तरह जो है ना, आप ये लिंक लगा सकते हैं। अब लास्ट चीज़ जो रहेगी है वो आपका है फुटर, ठीक है। यहाँ पे फुटर की ऑप्शन तो नहीं देगा, लेकिन आपको वो भी जो है ना, थीम में जाके कोडिंग के थ्रू आपको जो है ना फुटर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है, इनको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे न्यू टैब ओपन करके हम सर्च कर लेते हैं शॉपिंग, अपनी वेबसाइट का लिंक। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है गो ये भी या जो भी लिखा हुआ है, ये बेशक अगर आप टेक्स्ट यहाँ से कॉपी करना चाहते हैं तो बेशक यहाँ से कॉपी कर लें, लेकिन ये इसको याद कर लें वर्ड को। तो यहाँ पे आप कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे, नीचे एफ प्रेस करेंगे, GYYAABI सर्च करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये हमारा फुटर आ गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएटेड बाय, ये जो उसका जहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, सोरा थीम टेम्पलेट्स या इस तरह। तो यहाँ पे अब असल ये चीज़ है, ये ब्लॉग है,
अब यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है ब्लॉग, ठीक है, यहाँ पे आप इस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिंक इस पे यही रहेगा। अगर हम ये लिंक चेंज कर देते हैं या इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा सारा थीम खराब हो जाएगा। तो ये क्योंकि फ्री दे रहे हैं तो इस वजह से ये चीज वो अपने पास ही रखेंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड की जगह चेंज कर लेंगे। किधर गया डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे डिजाइन बाय। अब हम यहाँ पे अपने जो है ना ये लिंक है, यहाँ पे हम इसको कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। इसको डिलीट करके हम जो है ना अपने ब्लॉग का कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है को भी यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं शॉपिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिंपल सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद यहाँ से हम इसको फ्रेश करेंगे, पहले ये अपडेट हो जाए। ये अपडेट हो गया तो यहाँ पे हम इसको सिंपल सर्च करेंगे, बल्कि रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें क्रिएटेड बाय वही रहा है, या ये क्रिएटेड बाय भी हम चेंज कर सकते हैं, फ्री थीम कर सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉग का वर्ड चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस पे जो लिंक है वो हम नहीं चेंज कर सकते। तो यहाँ पे आगे डिजाइन बाय शॉपिंग मरकज, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कॉपी राइट बाय शॉपिंग मार्केट, जो आपकी अपनी वेबसाइट का नाम होगा डोमेन का। तो इस तरह जो है ना आप ये फुटर को नीचे चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये हो गया, मतलब कि ये हमारा जो मेन जो पेज था ये हमारा डिजाइन हो गया है। अब आगे जो है हम ये इस पे क्लिक करेंगे अपने पोर्टफोलियो पे, पोर्टफोलियो ये वो अलग पेज था और ये जो पोर्टफोलियो का पेज होगा ये अलग पेज है। अब हम नेक्स्ट जो है ना यहाँ पे हम ये सारी चीजें जो है ना इनको देखेंगे कि हम इनको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो हमारा ये जो पॉपुलर आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, सब्सक्राइबर्स आ रहा है, इनको हम चेंज करेंगे। नीचे हमारा फुटर ऑलरेडी चेंज हो गया, ये सारे मतलब वही रहेंगे। तो ये जो आइकन्स हैं इन पे भी जो आप ऊपर टॉप पे लिंक देंगे वही इसमें लिंक रहेंगे, ठीक है, जो आपने ऊपर टॉप पे लिंक दिए हुए होंगे। तो इस तरह जो है ये लिंक हो गया। अब यहाँ पे हमने इन चीजों को देखना है। अब हम सिंपल जाएंगे, इसको हम बैक कर लेंगे, हम जाएंगे लेआउट में, ठीक है, लेआउट में यहाँ पे ये देखें पॉपुलर की ऑप्शन है, ठीक है। पॉपुलर से मुराद ये है कि आपकी पॉपुलर जो पोस्ट होंगी वो वहाँ पे होंगी। तो ये सेटिंग बेशक यही रहने दें, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं मैक्सिमम वहाँ पे कितनी शो हो, 3 शो हो, 4 शो हो, जो मतलब के जो है ना ज्यादा जिन पे व्यू आए हैं, मोस्ट व्यू आए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब फेसबुक का जो है, यहाँ पे एक फेसबुक का भी है, ठीक है। अब हम वही करेंगे फेसबुक इन्फोग्राफी डॉट शॉप, ये जो था हम इस लिंक को कॉपी करेंगे। यहाँ पे बेसिकली आप अपना पेज शो करवा सकते हैं, यहाँ पे आपका पेज शो होगा। तो यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे ये जो HTTPS से लेके जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो रहा है ना, स्टार्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो वहाँ तक हमने लेके जाना है जो है ना इसको पेस्ट करना है, ये यहाँ तक जो है ना सारा थीम जहाँ पे हमारा हो रहा है तो हमने कंट्रोल वी कर देना, अपना लिंक जस्ट पेस्ट कर देना है। यहाँ से हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद यहाँ पे हम इसको फ्रेश करेंगे, फ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा पेज होगा कि मतलब कि कोई भी हमें फॉलो करना चाहता है यहाँ से डायरेक्ट वेबसाइट से, ये देखें हमारा पेज यहाँ पे शो हो गया है, 1073 फॉलोअर्स हैं। मतलब जैसे वो बंदा क्लिक करेगा तो डायरेक्ट हमारे जो जो पेज है फेसबुक का वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह ये आप इसकी कर सकते हैं। आगे है यहाँ पे ये यूट्यूब का, तो यहाँ पे सब्सक्राइब अस का भी जो है ना यहाँ पे भी आप सिंपल इसी तरह कर सकते हैं। अपने यूट्यूब के चैनल पे जाएं, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ MUH मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है। तो मैं सिंपल सर्च करूँगा तो ये डायरेक्ट मेरे यहाँ पे चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल पे जब आएगा तो मैं सिंपल ये अपना मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, यहाँ पे जब आएगा आप देखते हैं वहाँ पे वीडियो लगी हुई है या हाँ यहाँ पे ये जो है ना ये वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ पे सिंपल अपने चैनल पे आऊँगा तो यहाँ पे जो है ना कोई भी वीडियो मिसाल के तौर पे वहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ, शेयर पे जाऊँगा तो ठीक है। यहाँ पे अब बहुत सारे एम्बेड, ये जो एम्बेड कोड है यहाँ से मैं इसको करूँगा कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ पे एम्बेड तक ये जो आ रहा है ना आई फ्रेम, ये जो आई फ्रेम है यहाँ ये सारा सिलेक्ट करके
मैंने यहाँ तक इसको कंट्रोल वी कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा इसको, ठीक है। जैसे ही सेव करूंगा तो यहाँ पे इसको मैं कर लूंगा फ्रेश, तो ये देखें यहाँ पे हमारी वीडियो शो हो गई है। मतलब कि जो भी आप वीडियो यहाँ पे लगाना चाहते हैं, मतलब कि आप वो कह चाहते हैं कि मेरी वीडियो एम्बेड होगी यहाँ पे लगे, तो आप ये कर सकते हैं। तो अब आगे नेक्स्ट है टैग्स है, मतलब कि आप टैग लगाएंगे वो चलें, आगे नेक्स्ट हम देखेंगे टैग कैसे लगाते हैं सारी, बाकी ब्लॉग अचीवमेंट रिपोर्ट अबाउट मी, ठीक है। अबाउट मी में आप यहाँ पे जो शो हो रहा है अबाउट मी में, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये चीज़ शो हो रही है, अगर आपने जो पूरी अपनी डिटेल लिखी हुई है वो भी शो करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल जाएंगे एडिट में, ये फीचर पोस्ट पोस्ट है, मतलब जो रिसेंट आपकी पोस्ट होंगी वो शो होंगी। अबाउट मी में जाएंगे, यहाँ से शो अबाउट मी, मतलब कि यहाँ पे मैं शो करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा सिंपल। यहाँ पे ये जो डिटेल मैंने लिखी थी वो मेरी जो एक और ब्लॉग था जॉब्स के हवाले से, उसके हवाले से मैंने ये लिखी थी। तो यहाँ पे ये देखें एज अ डेली जॉब एट वेबसाइट ऑथर आई एम, मतलब कि वो अपनी डिटेल वगैरह थोड़ी सी, मतलब कि जो है ना, अगर ये शो कर नहीं करवाना चाहते तो सिंपल आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें, तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे शो नहीं होगी। अगर रिमूव करना चाहते हैं इसको अबाउट मी को, ये आप रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल वक्ती तौर पर मैं ये रहना चाहता हूँ, मतलब वक्ती तौर पे ये रहने देता हूँ। तो ये हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि जो हमने इसका जो कस्टमाइज करना था ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। बस अब थोड़ा सा रह गया, मतलब कि जो है ना ये चीज़ रह गई है यहाँ पे, ये जो ऊपर पेजेस हैं, ठीक है, ये हम नेक्स्ट जो है ना आगे करेंगे कि पे पोस्ट और पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, और कोई भी पोस्ट है उसको जो है, मतलब कि अगर आपने एक पेज है, एक अलग कैटेगरी है वहाँ पे आपने डालना है, आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट फलां पेज पे शो हो, फलां पेज पे शो हो, तो वो हम कैसे करते हैं। तो ये थी कि थीम को प्रॉपर कस्टमाइज कैसे किया जाता है। तो ये हमारा ये कस्टमाइजिंग का काम कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट आगे पोस्ट और हम देखेंगे कि हम मेन्यू और पोस्ट वगैरह, या मतलब ये पेजेस और ये चीज़ें कैसे बनाए, मतलब कि जो बनानी है। तो अगर अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई डिसलाइक करें। साथ ही हमारे चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें।